सर एक एक मैं आपसे एक और, बिकॉज आपने बोला है कि यू नो फिल्म्स के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं आपसे पूछती हूँ स्पेशली बिकॉज यू नो यू शेयर दैट काइंड ऑफ इक्वेशन विद एसआरके. आपको लगता है कि जैसे द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी या सक्सेस की अगर हम बात करें जवान या पठान में, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर द फिल्म बट ऑडियंस में एक वो स्पिरिट है कि यू नो टू टेल दिस मैन, टू टेल एसआरके कि हम आपके साथ खड़े हैं. यू नो आपको लगता है कि वो उस वजह से इस लेवल का प्यार बड़ा है? देखो एक अमिताभ बच्चन का दौर था. हाँ जी. एंग्री यंग मैन. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस दौर में कोई भी ट्रेन में कोई ऐसी ट्रेन नहीं होगी जिसमें अमिताभ बच्चन की बात नहीं चल रही. घूम फिर के और कहाँ जा रहे भाई साहब? भोपाल जा रहे भाई साहब, ये हो रहे भाई साहब, वहाँ जा रहे भाई साहब, ये थे धीरे 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 धीरे. वो देखिए आपने खुली उसकी वो पिक्चर सुहाग अमिताभ बच्चन के, अरे भाई साहब सुना है 36,000 रुपये पर डे कमाता है. कहीं तो वैसे ही दौर शाहरुख खान का था. एक रोमांटिक नेक्स्ट डोर बॉय है ना. मैं भी गजब फैन, गजब फैन, मतलब शाहरुख खान के परदेश देख रहे थे. दिल तो और हर बहुत सारे एक्टर्स के साथ हुआ है कि एक दौर था और धीरे धीरे खत्म होता है. हर एक का, राजेश खन्ना का भी हुआ था, बिल्कुल दौर था, धीरे धीरे खत्म होता, वो भी एक दौर था. तो अपने जो हम चाहने वाले हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, वाह फिर से सपोर्ट हुआ है शाहरुख खान का जी. तो अच्छा लगता है ना, फिर से सपोर्ट किया. और है भी भाई, मेहनती है, बहुत एनर्जी है, अच्छा इंसान है जी, अच्छा सोचता है सोसाइटी के लिए और लोग सपोर्ट करते हैं उसको, तो अच्छा लगता है जी. किसी को रिजेक्ट मत कीजिए, उसकी पूरी जिंदगी का मेहनत है. आप उसको कह देगा अरे ये तो ये है तो हटा, इसकी पिक्चर नहीं देखेंगे, ऐसे कैसे? आपने क्या किया जो उसको हटा रहा है? ऐसा कुछ तो करिए. बायकॉट वालों से यही तो डर लगता है, तुम क्या कियो, तुम तो कुछ कर भी नहीं करो, बायकॉट राइट. अरे ये क्या मतलब है यार, उसकी मेहनत है, उसने सारी जिंदगी लगाई आप ही के इस दिल्ली से, ग्रेटर कैलाश से उठ करके एक लड़का, दिल्ली भी नहीं पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली से खड़ा हुआ एक लड़का धीरे 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 ऐसे बना है. ऊपर वाले का ब्लेसिंग है उसके ऊपर, तो कम से कम उस ब्लेसिंग को तो आप ऊपर वाले को तो इज्जत दीजिए. हाँ भाई, और बन करके खड़ा है. कोई भी ऐसा एक्टर, कोई भी एक्टर ही क्यों, हर कोई. आप पहले इस बिल्डिंग के सामने आती होंगी, देखती होंगी, मम्मी पापा एक दिन मैं जर्नलिस्ट बनूंगी 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 बनूंगी, और आप बनती हैं और हम आपको कहें चलिए आप जाइए, ये मुझे हक किसी ने दिया. तो बड़ा अच्छा लगता है यार कि हम करते हैं, अच्छा लग रहा है यार वाकई में कि यस. जैसे एकदम बिल्कुल कि आज सुनील गावस्कर वापस खेलना शुरू करें और कहें वाह यार क्या खेल रहा है यार. एब्सोल्युटली है ना.